अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान और मेरा जो इस प्रोग्राम है बिजनेस पॉइंट, मैं आप सब लोगों को आज एजुकेट करना चाहता हूँ क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड इस नए रेवोल्यूशन के बारे में जो 2009 से स्टार्ट है और पूरी दुनिया में एक नया रेवोल्यूशन क्रिप्टो करेंसी का फैल चुका है। करेंसी की सबसे पहले तो मैं आपको इसकी हिस्ट्री में ले चलता हूँ कि सबसे पहले तो ये था कि बार्टर सिस्टम था, गुड्स ऑफ एक्सचेंज होती थी, चीज़ों के बदले लोग चीज़ें लेते और देते रहते थे। उसके बाद कमोडिटी मनी एज अ करेंसी यूज़ हुई, सिल्वर एंड गोल्ड को एज अ करेंसी इस्तेमाल किया गया। जो जो वक्त गुजरता गया, दुनिया तरक्की की तरफ गामजन होती गई और पेपर मनी को एज अ करेंसी डिक्लेयर कर दिया गया। जब पेपर मनी आई तो बहुत से लोगों को ये मसले मसाइल पेश आ रहे थे कि बैंक्स 5 बजे क्लोज हो जाते थे, उनको उसके बाद पैसों की ज़रूरत पड़ती थी तो वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो ATM की सहूलत उन लोगों को दे दी गई कि आप 24 घंटे में किसी भी जगह से आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि बहुत से लोगों के रिलेटिव्स दुनिया के बाहर काफ़ी कंट्रीज़ में हैं, तो जब उनको पेमेंट भेजने की ज़रूरत पड़ती है, अचानक अगर किसी को पैसे ज़रूरत पड़ जाते हैं तो वो पैसे नहीं भेज सकता रात के टाइम, क्योंकि वेस्टर्न यूनियन बंद होता है, बैंक आपके क्लोज़ होते हैं। तो क्या हुआ कि 2009 में एक ऐसी करेंसी को लॉन्च किया गया जिसका नाम है बिटकॉइन, कि आप किसी भी टाइम अपने मोबाइल के थ्रू, क्योंकि इसको ये है डिजिटल करेंसी, क्रिप्टोग्राफी और मैथमेटिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करके ये क्रिप्टो करेंसी को माइन किया जाता है, कंप्यूटर जिसको माइन करते हैं, और आप विद इन 20 आवर्स किसी भी जगह पे दुनिया के किसी भी कंट्री में अपने बिटकॉइन को ट्रांसफ़र कर लेते हैं और वहाँ पे वो यूज़ हो जाता है। उसके बाद ये ट्रांसफ़र कहाँ पे होता है? ट्रांसफ़र होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। इंटरनेट का एक लेटेस्ट वर्जन है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिस पे पूरी दुनिया की करेंसी मूव हो रही है और हर करेंसी का कोई ना कोई पीछे मकसद है। क्रिप्टो करेंसी जितनी भी हैं इस टाइम तकरीबन 1600+ क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आ चुकी हैं, और वो सारी क्रिप्टो करेंसीज का कोई ना कोई मकसद है। तो ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉक चेन अ डिजिटल ट्रांसपेरेंट लेजर दैट रिकॉर्ड्स एंड ट्रैक्स ऑल ट्रांजेक्शन फॉर मैनी डिफरेंट इंडस्ट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में आप ये क्रिप्टो करेंसी को जब मूव करते हैं उसमें एक लेजर मेंटेन हो रहा है जिसको कोई बंदा एडिट नहीं कर सकता, उसमें वेरिफिकेशन होती है ट्रांजेक्शन की और कोई भी बंदा किसी भी टाइम ट्रांजेक्शन को देख सकता है। इसकी जो पावर है, बिटकॉइन की जो पावर है वो है सप्लाई और डिमांड। इसमें इन्फ्लेशन नहीं आ सकते। आपको पता है 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे पूरी दुनिया में, क्यों आए थे? क्योंकि जब भी बैंक्स नए नोट शाया करता है तो मार्केट में उसकी वैल्यू डाउन होती है। आप एक प्लॉट 2 लाख का है, 5 लाख का है, वो आप 5 साल के बाद इतनी वैल्यू पे नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आपका पैसा डी वैल्यू होता है, जबकि क्रिप्टो करेंसी में आपका पैसा डी वैल्यू नहीं हो सकता क्योंकि इसकी एक लिमिटेड सप्लाई होती है और कंप्यूटर्स इसको माइन करते हैं। जब तक वो सप्लाई पूरी नहीं होगी तब तक आप उसको इसमें इन्फ्लेशन नहीं आ सकते। सप्लाई और डिमांड इसकी पावर है, कंप्यूटर्स इसको माइन करते हैं। डी वैल्यू पेपर्स मनी में डी वैल्यू आती है लेकिन क्रिप्टो करेंसी में डी वैल्यूएशन नहीं आ सकती। उसके बाद बिटकॉइन जब 2009 में स्टार्ट हुआ, इसको लॉन्च किया, तो इसकी वैल्यू थी 10 रुपये पाकिस्तानी, लेकिन दिसंबर 2017 में इसकी वैल्यू 23 लाख तक चली गई। एक ऐसी चीज़, एक ऐसी करेंसी जो दुनिया में लॉन्च हुई, 2009 गुजर गया, 10, 11, 12, 13, 14 हम लोगों को नहीं पता चल सका। 2016 में जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो बिटकॉइन 42,000 का था, जब मैंने अपने लिए दो बाय किए थे 84,000 के। दिसंबर 2017 में मैंने वो 46 लाख के सेल किए। अब मुझे क्या बेनिफिट हुआ? मैंने तो 84,000 इन्वेस्ट किया था लेकिन 46 लाख मैंने कमाया। लेकिन मैंने दोबारा से बहुत सी डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज में पैसा इन्वेस्ट किया, क्योंकि फ्यूचर इस करेंसी का है और आने वाले वक्त में ये करेंसी हम लोगों की ज़रूरत बन जाएगी। जैसा कि मोबाइल जब आए थे एंड्रॉयड मोबाइल, तो हम लोगों तक ये टेक्नोलॉजी बहुत लेट पहुंची थी, इसलिए हम लोग इससे फ़ायदा लेट हासिल कर चुके हैं, मगर क्रिप्टो करेंसी हम लोगों को आज जल्दी मिल चुकी है, हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। बिल गेट्स दुनिया का एक सक्सेसफुल पर्सन इंसान है,
16 दफ़ा अमीर आदमी रह चुका है, वो कहता है कि इन द फ्यूचर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विल बी डिजिटल यूनिवर्सल एंड ऑलमोस्ट फ्री। आने वाले वक्त में जो पैसों का लेन देन होगा पूरी दुनिया में वो डिजिटल हो जाएगा, यूनिवर्सल होगा यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे होगा और ऑलमोस्ट फ्री होगा, उसमें किसी किस्म के चार्जेस नहीं देना पड़ेंगे क्योंकि क्रिप्टो करेंसी दो बंदों के दरमियान ट्रांजेक्शन का जरिया है, इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। कि क्रिप्टो करेंसी आज दुनिया के बड़े बड़े बैंक्स इसकी तरफ मूव हो चुके हैं और वो क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च कर रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में हम इसको इस्तेमाल कर सकें। सतोशी नाकामोटो, जिसको 2009 पे नोबेल प्राइज़ अवार्ड दिया गया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उसकी कि दुनिया को उसने एक ऐसा आइडिया दिया कि उस आइडिया पर पूरी दुनिया आज मूव हो रही है। बिटकॉइन की ATM मशीन्स तकरीबन 2600 ATM मशीन्स यूरोप में इंस्टॉल हो चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पाकिस्तान में इसकी एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे आप इसको सेल परचेज कर सकते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 7 अगस्त 2017 की डॉन न्यूज़ में ये करेंसी के बारे में बताया गया था कि दुनिया की वो कौन सी करेंसी जिसका 1 रुपया 3.5 लाख रुपये से महंगा, यानी अगस्त में देखें तो ये 3.5 लाख रुपये था, लेकिन दिसंबर में यही कॉइन, यही बिटकॉइन 23 लाख पे चला गया। डिजिटल करेंसी बिटकॉइन की हर गुजरते दिन इजाफे के साथ, 15 अगस्त की न्यूज़, वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन ने पहली बार $3,000 की हद को अबूर कर लिया। ये वही न्यूज़ हैं, न्यूज़पेपर हैं जो पाकिस्तान की न्यूज़पेपर हैं, लेकिन हम लोग इसको पढ़ते नहीं हैं जिसकी वजह से हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। नाज़रीन दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मोहम्मद उस्मान के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में।